लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टीबीटी। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि घर पे आए हुए हैं हमारे फ्रेंड्स, तो उनसे मिलवाते हैं आपको और अपने फ्रेंड्स को घर बुला के हम उनसे क्या करवा रहे हैं ये देखिए, पकोड़े तलवा रहे हैं। ये है श्वेता, यहाँ आने के बाद ऐसा बोला जाता है खुद बनाओ खुद खाओ। अच्छा, खुद बना रही हो खुद खाऊंगी। हम बना रहे थे लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे, तो इनको देखिए और यहाँ देखिए ये क्या ये बने हुए गाजर के हलवे को और बना रही है, सिर्फ चम्मच चला रही है। और ये प्रियंका कर रही है, हम ढोकले बना रहे हैं तो इतनी सारी चीजें आज हम लोग खाने वाले हैं। अभी नीचे तो ऐसा मान लेता। ये गर्मा गर्म चना दाल के पकौड़े, सर्दियों में खाने का इनका मजा बढ़ जाता है। कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, घर आके खुद ही बना रहे हैं और खुद ही खाएंगे। हम भी खाएंगे। और यहाँ पर प्रियंका ने ढोकले तैयार कर दिए हैं, ये देखिए कितने कलरफुल दिख रहे हैं ना। हाँ, और इधर पकौड़े भी तल रहे हैं। तो जल्दी खिलाइए प्रियंका। अच्छा, अरे रुको, हमें भी खाना है। हम क्यों रहे। ये देखिए कितनी सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर दावत चल रही है। ऑफ कोर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ढोकला खा रहे हैं हम और पुलाव, दाल वड़े, गाजर का हलवा, सारी भी। वाओ, सब लोग कहेंगे कि कितना ये सब खा रहे हैं बैठ के। आई लव दिस ढोकला, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर रही। हाँ, और अब बारी है कि हम भी आहार ज्यादा नहीं है, खाइए। अब हम भी आहार पे प्रहार करें क्योंकि सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है और हमारे लिए बचे ना बचे, बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? नहीं बचेगा। नो गारंटी, बहुत भूख लगी है। तो चलिए आहार पे प्रहार करते हैं। प्लेट में ले लीजिए, ऐसे रखिए तो ज्यादा इजी भी आप पकड़ पाएंगे। अब लीजिए, लाओ मैं आपको लीजिए। प्रियंका मैम ने बहुत अच्छा बघारा है। बहुत अच्छा बघारा है। इट्स नॉट बघारा, इट्स बघारा। अच्छा, अरे हमारे पकौड़ों के बारे में भी तारीफ कीजिए। सुपर बेटा, पूरा तेरा ही है। मैंने तला तो सुपर क्यों होना ही है। तेरी
देख सकते हैं कि वर्षा जी अभी चाय बना रही है, हाँ। है ना। पकौड़े खाने के बाद चाय तो पीना बनता है ना। ऑफ कोर्स। तो यहाँ हम भी वेट कर रहे हैं कि वर्षा जी कब चाय बनाए और हम कब चाय पिए, राइट। हाँ, तो वैसे भी वो चाय के बड़ी शौकीन है वर्षा जी, है ना। हमारे वीडियोस से पता चलता ही है सबको कि हम कितनी चाय पीते हैं। यस। तो चाय भी अभी उबल रही है। हाँ, हेलो। तो भी बज रहे हैं 12 और यहाँ पे वर्षा जी चाय बना रहे हैं। हमारा फेवरेट काम है चाय बनाना और चाय पीना। हाँ, और हम सब वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि कब ये चाय बनाए और हमें पिलाए। तो ये पकौड़े की इतनी शौकीन है कि अभी भी पकौड़े बनाया। मई में एग्जाम जाने वाली इस बार। देखिए ऐसा बोल रहे मई में जाएगी। 10th की भी मई में शायद। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। 10th और 12th वालों के अभी लेट निकले। नाश्ता करके क्या फील हो रहा है या फिर नाश्ते पे अपनी कुछ टिप्पणियां आप व्यक्त करना चाहेंगी मैडम जी, वर्षा जी? गाजर का हलवा वैसे बहुत अच्छा था। फिर से कब बुलाएंगी यही सोच रही हूँ मैं। आपकी वर्षा जी मुझे कब बुलाएगी। यस यस। और श्वेता जी? और हाँ, जैसा मैम ने कहा गाजर का हलवा अच्छा था। इतना थोड़ा सा मीठा कम था और बाकी तो गाजर का हलवा तो गाजर का हलवा होता है तो किसी भी हाल में अच्छा ही होगा। अच्छा लगता है। और वो जो बड़े थे वो बहुत मस्त थे। मीठा इसलिए कम था क्योंकि हमें आप लोगों की सेहत का ध्यान है। ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ जाएगा। यस, वर्षा जी बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है ये। और बाकी जो बचा कुचा जो था सब बुकले कुछ बचने नहीं दिया। जब से मैंने मतलब हमें पता चला कि हमें आना है आज के दिन मैम के घर तो मैंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। और हम बहुत ही मरे जा रहे थे। जैसे ही हम आए वैसे ही किचन में घुसते के साथ जो भी मिला OMG। तो आप इस चीज से तो पता लग ही सकता है कि खाना कितना टेस्टी होगा। कुछ नहीं बचा। राइट। टेबल। यस, वैसे भी टेबल भी आप देख सकते हैं सारा फिनिश है। सिर्फ एक बाउल हलवा थोड़ा सा ही बचा है, बाकी सारा फिनिश है। एम्प्टी दिख रहा है टेबल आपको। यस, ये दुआ है मेरी रब से कि वर्षा मैम बुलाए हमें फिर से। क्या बात है। अभी कुमार विश्वास की पंक्तियाँ मिसिंग है। हाँ। जरा आप भी सुनाइए। अच्छा। हाँ। क्या सुनना चाहती है, कौन सी पंक्तियाँ जो भी आपके लब से बयां हो। ओहो। सुना रहे। जैसे कि आप देख भी रहे हो अभी चाय बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे पकोड़े भी तले जा रहे हैं, जो इसका सिलसिला जारी है पकोड़ों का, है ना वर्षा जी। यहाँ पर चाय भी तैयार है। और जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स उसके क्या ओपिनियन है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो भी हम सुनाएंगे। बारी है चाय पीने की, बैठकर और गपशप करने की दोस्तों के साथ। तो वो करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं। चाय कैसी बनी है? परफेक्ट। अच्छी है। आप मत पीजिएगा। ये बाद में खा। पहले ये पी। हाँ, मेरी चाय फिनिश हो गई है बिकॉज मुझे गर्म गर्म चाय पीना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं अभी भी पी रही हूँ बिकॉज की अभी उसको ज्यादा दी है। बिल्कुल परफेक्ट चाय बनी जैसी हमको अच्छी लगती है। हाँ, जरूर। और जिससे थकान दूर हो जाए। ऐसे ही। तेरे को चीनी? नहीं, चीनी सब बराबर। तो और कुछ कहना बाकी है श्वेता? नहीं, मुझे प्रियंका कहना, मुझे नहीं, बस एंड में यही कहूंगी यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा वर्षा जी के घर पे आके। हाँ, और बहुत क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। हाँ, और वर्षु आपको क्या कहना है, आप लोगों को बता दे, इनका नाम भी वर्षा है। हाय।
मैं यही बोलना चाहूंगी कि फिर से कभी बुला दे जल्दी जल्दी बुला दो हम लोगों को फिर से। yes. और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया वो तो है कि अच्छा एंजॉय किया, लेकिन हमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया कि हमारे घर पे फ्रेंड्स आए और हमें इतना मजा आया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमें तो हमेशा फ्री टाइम चाहिए होता है कि घर से निकल के किसी दूसरे के घर अगले घर में वही चीज कर करके ना बोर हो चुके हैं, वही खाना वही किचन। हाँ, और ये जो कोरोना टाइम था इसमें तो और ज्यादा घर पे कोई आए इकट्ठे हो तो बहुत मजा आया। ये जो 1.5 घंटे हम लोगों को मिले काफी अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने। और अब इस वीडियो का एंड कर दें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है बाहर। बाय, थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर शेयर ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। हाँ, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने विचार भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल। बाय।